टाइम 24 न्यूज जज्बा सच दिखाने का। देश इस वक्त कोविड-19 नोबेल कोरोना जैसी गंभीर महामारी से गुजर रहा है। भारत लॉकडाउन है और सभी से कोरोना संक्रमित लोगों समेत एक दूसरे से दूरी बनाकर रखने की अपील की जा रही है, मगर बुलंदशहर में इस लॉकडाउन के बीच घर में बैठे कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के दो छात्रों ने जो कर दिखाया वो आपको दांतों तले उंगली चबाने पर मजबूर कर देगा। आपने हांगकांग की रोबोट सोफिया के बारे में पढ़ा, सुना या देखा जरूर होगा। अगर नहीं तो हम आपको बताते हैं कि हांगकांग की रोबोट सोफिया में तैयार होने वाले रोबोट इंसानों की तरह काम करते हैं। लेकिन रोबोट से इंसानी काम लेने की इस सफलता को हासिल करने के लिए हांगकांग को न सिर्फ लंबा अरसा लगा बल्कि इस पर कई रिसर्च भी किए गए। लेकिन क्या आप यकीन कर पाएंगे कि जो काम करने में बड़े बड़े साइंटिस्टों को लंबा वक्त लगता है उसे भारत के दो छात्रों ने सिर्फ 2 सप्ताह में न सिर्फ कर दिखाया बल्कि उन्होंने बिना किसी ट्रेनिंग के अपने दम पर एक रोबोट बनाकर खड़ा भी कर दिया। बुलंदशहर के नगर निवासी और नोएडा की अलग अलग यूनिवर्सिटी कॉलेज में पढ़ने वाले निशांत शर्मा और अतुल कुमार ने मिलकर महज 14 दिन में एक ऐसा रोबोट तैयार किया है जिसे अगर वाकई गंभीरता से लिया जाए तो वो कोरोना की महामारी में मुफीद साबित हो सकता है। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने वाले निशांत का दावा है कि अगर उनके प्लान पर गौर किया जाए तो भविष्य में ऐसी किसी भी आपदा के लिए बनाए गए रोबोट कारगर साबित हो सकते हैं। निशांत बताते हैं कि यूं तो वो और उनका दोस्त महीनों से इस पर रिसर्च कर रहे थे, मगर देश में कोरोना के दाखिल होने के बाद महज 14 दिन में ये रोबोट इनके द्वारा तैयार किया गया है। दावा किया गया कि रोबोट पेटेंट कराने के लिए प्रोसेस करने का भी प्रयास किया जा रहा है। 1.5 लाख की लागत से तैयार किए गए इस रोबोट का नाम डेल्टा 3.0 है। मोबाइल ऐप से कंट्रोल होने वाला ये रोबोट मरीज को दवाई दे सकता है, जबकि सैनिटाइज करने के लिए इसमें अलग से सेंसर सिस्टम लगाया गया है। इस रोबोट को दूर से ही ऑपरेट किया जा सकता है, जबकि इसमें डिस्प्ले लगाई गई है जो कि समय समय पर नोटिफिकेशन के जरिए आपको जानकारी देती है। इस रोबोट को बनाने वाले छात्रों का दावा है कि अगर सरकार इसे पेटेंट करा दे तो ऐसे वक्त में कोरोना मरीजों का इलाज कर रहे डॉक्टर्स और हॉस्पिटल स्टाफ में फैलने वाले संक्रमण को रोकने में ये रोबोट बहुत मुफीद साबित होगा। सर, ये रोबोट जो बनाया मैंने मेरे दोस्त अतुल कुमार के साथ मिलकर बनाया, और ये रोबोट हमने कोरोना वायरस से हमारे जो डॉक्टर लड़ रहे हैं उनकी सहायता करने के लिए बनाया है। ये रोबोट इंसान से इंसान के कॉन्टेक्ट को कम करने के लिए बनाया है। ये रोबोट अभी जो लोग कोरोना वायरस पॉजिटिव पाए गए हैं वो जो क्वारंटीन सेंटर में, तो उनको ये दवाइयाँ और खाना वगैरह डिलीवर करने के मेन मकसद से बनाया है। और हमने इसमें साथ में एक ऑटोमेटिक हैंड सैनिटाइजर लगाया है जिससे आप बिना हाथ लगाए अपना हाथ सैनिटाइज कर सकते हैं। और ये बताइए कि जिला प्रशासन से आपने बात की इस विषय में या कोई मदद मिली है? सर, हमने उनको कॉन्टेक्ट करने की कोशिश की, अभी कोई हेल्प नहीं मिली है, बट हम चाहते हैं कि हम इसको और अच्छा बनाए, तो उसके लिए हम चाहेंगे कि सरकार और जिला प्रशासन हमारी मदद करे। हम अभी जो यूनिट बनाई हमने अपने 2 हफ्ते और जितने भी पैसे हमारे पास थे वो सब लगा के बनाया है। इसको बनाने में कितने दिन लगे, कितने पैसे आपके खर्च हुए? सर, बेसिक डिज़ाइन को कम्प्लीट करने में हमें लगभग 2 महीने लगे थे, और उसके बाद फिर उसको कोरोना के संबंध में अपग्रेड करने के लिए हमें पिछले 2 हफ्ते लगे, और इसमें हमने अपने जितनी भी सेविंग्स थी पेरेंट्स की वो लगभग 1.5 लाख रुपये लग गए हैं इसमें अभी तक। तो आप सरकार से क्या मदद चाहते हैं? सर, हम चाहते हैं कि हम इसके और यूनिट बना पाएँ, हम हॉस्पिटल्स के साथ टाई अप कर पाएँ, उनकी जैसी भी नीड है हम उसके अकॉर्डिंग ही रोबोट को अपग्रेड कर सकें, और सरकार हमारी थोड़ी फाइनेंशियल हेल्प कर सके ताकि हम इसे और बेटर बना सकें, ताकि ये सही से काम कर पाए और ज़्यादा। रोबोट बनाने वाले दोनों छात्रों के साहस की जितनी सराहना की जाए कम है।
साथ ही घर बैठे इन छात्रों ने ये भी साबित कर दिया कि रोबोट बनाने के लिए सिर्फ ट्रेनिंग या बड़े संस्थान की ही जरूरत नहीं होती, बल्कि अगर आप में लगन और जुनून है तो कम सुविधाओं से भी बड़े सपनों को सच किया जा सकता है। एडिटर इन चीफ इकबाल सैफी के साथ हमें सैफी, टाइम 24 न्यूज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।